हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और स्वागत करता हूँ आपके अपने ही चैनल टॉक्स फॉर यू में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए एक खास इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ जो कि रिलेटेड है मारवाड़ी कॉलेज रांची के इंटरमीडिएट सेक्शन से। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से आप सभी के लिए किसी प्रकार का हेल्प नहीं कर पा रहा था, ना वीडियो बना पा रहा था, क्योंकि मेरे भी कुछ एग्ज़ाम्स थे जिसके वजह से ये नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर कि ये वीडियो क्यों इंटरमीडिएट सेक्शंस के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, साथ ही साथ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ अगर मारवाड़ी कॉलेज रांची के इंटरमीडिएट सेक्शंस और या फिर किसी भी सेक्शन से आप इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप वहाँ से जाकर के इजिली ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए अब टॉपिक पे, अब यहाँ पर बात करते हैं कि आखिर इस वीडियो में क्या ऐसा इन्फॉर्मेशन है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो भी इंटरमीडिएट सेक्शन के 11th क्लास में एडमिशन लेने वाले हैं, ठीक है, जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ था और यहाँ पर जिनका एडमिशन हो चुका है, मतलब कि प्रोविजनली उनका यहाँ पर अब फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसके लिए क्या गाइडलाइंस है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और क्या टाइम टेबल रहने वाला है, ये सभी चीज़ मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप केयरफुली इस वीडियो को वॉच कीजिए। तो चलिए अब देखते हैं कि फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपको यहाँ पर जो लिस्ट है, जो सीरियल नंबर वगैरह है, सब देखना है, तो आपको क्या करना होगा, मारवाड़ी कॉलेज का जो इंटरमीडिएट सेक्शन का जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, उस पर आना है। और आने के बाद आपको यहाँ पर जो वेबसाइट है उसमें आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो है ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद जो है इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा और यहाँ पर आपको सभी चीज़ें केयरफुली आपको पढ़ना है। ठीक है, और सभी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा और उसके बाद जो भी है आप यहाँ पर वो चीज़ जो बताया जा रहा है उसके अनुसार ही आपको करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर कहा गया है सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स को क्लास 10th का रजिस्ट्रेशन स्लिप लाना अनिवार्य है। मतलब जो भी स्टूडेंट्स हैं सीबीएसई बोर्ड के, ठीक है, बाकी जो जैक बोर्ड है या फिर और भी कोई अदर्स बोर्ड है, उनको यहाँ पर 10th क्लास का रजिस्ट्रेशन स्लिप लाने की जरूरत नहीं है, इस तरह से यहाँ पर कहा गया है। यहाँ पर है उसके बाद नोटिस फॉर 11th क्लास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रजिस्ट्रेशन स्लिप फिलअप बोथ गर्ल्स एंड बॉयज सेक्शन। यहाँ पर जो भी है नोटिस यहाँ पर दिया गया है कि जो टाइम टेबल वगैरह होगा जो भी, वो यहाँ पर दिया गया है। और बाकी क्या है चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। तो उस पर क्लिक करके आपको पीडीएफ जो है उसको डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पर जो है डेट, डिपार्टमेंट, रूम नंबर और जो टाइम टेबल है वो यहाँ पर दिया गया है। सभी चीज़ें आप केयरफुली यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई यहाँ पर गलती नहीं होना चाहिए, अन्यथा पहले ही आपको बताया गया था, कहा गया था कि अगर आप जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है फिजिकल उस पे आप अटेंड नहीं होते हैं या फिर किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत होता है तो उसका जिम्मेवारी कॉलेज का नहीं होगा, ठीक है, आपका होगा। और उसके लिए आपको क्या है कि एडमिशन नहीं भी लिया जा सकता है, तो किसी भी प्रकार का कोई गलती नहीं कीजिएगा, ये ध्यान रखना है आपको सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पर जो है रूम नंबर ये देखिएगा, बॉयज सेक्शन, ऑडिटोरियम, यहाँ पर डिपार्टमेंट जो है, ठीक है, सभी चीज़ें आप देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, और जो यहाँ पर सीरियल नंबर है उसी वाइज यहाँ पर जो है आपका वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, यहाँ पर टाइमिंग अलग अलग है, 8 से 9, 9:30 बजे तक है, दूसरा है 9:30 से 11 बजे तक। तो ये जो है टाइम भी आपको ध्यान में रखना है कि कितने से कितने बजे तक यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने वाले हैं। साथ ही रूम नंबर आपको नहीं पता होगा तो आप जा करके वहाँ किसी भी टीचर्स, गार्ड से या फिर किसी भी स्टाफ से आप पूछ सकते हैं, या किसी भी ऐसे स्टूडेंट से भी पूछ सकते हैं जो वहाँ पहले से भी अध्ययनरत है, मतलब कि वहाँ पर पढ़ाई करते हैं। ठीक है, उनसे भी पूछ करके आप यहाँ पर पता कर सकते हैं कि कहाँ पर रूम नंबर है, क्या है, और यहाँ पर डेट वगैरह सब आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर जो भी है आप देख लीजिएगा, उसके बाद आपको यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, जो वेरिफिकेशन के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं वो यहाँ पर दिया गया है। तो ये जो है सीरियल नंबर जिस हिसाब से यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, उसी हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट्स का सेट बनाना है। और सेट जो बनाना है, दो सेट बनाना है, पहला सेट जो होगा उसमें ये डॉक्यूमेंट्स रहने वाले हैं, जैसा कि यहाँ पर कहा गया है सीरियल नंबर 1 में ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म, जो आपने फॉर्म भरा था वो फॉर्म यहाँ पर हार्ड कॉपी लगेगा, उसके बाद एडमिट कार्ड, और जो है मैट्रिक का होगा जीरोक्स कॉपी, मार्कशीट है वो भी जीरोक्स कॉपी मैट्रिक का। और यहाँ पर जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो SC ST BC1 या BC2 के,
उनका यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, रेसिडेंशियल लगेगा। उसके बाद है 5 नंबर पे SLC या TC एंड करेक्टर सर्टिफिकेट ओरिजिनल, ठीक है। यहाँ ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पर जेरोक्स कॉपी इसके लिए नहीं कहा जा रहा है, जो SLC है, ठीक है, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट या ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो होता है, और करेक्टर सर्टिफिकेट, वो चीज़ आपको यहाँ पर ओरिजिनल देना है। और 6 नंबर पे जो है फीस रिसिप्ट, जो आपने जो आपका फी एडमिशन फी था वो आप पेमेंट किए होंगे, उसके बाद जो रिसिप्ट होगा वो यहाँ पर साथ में अटैच करना है। 7 नंबर पे है BPL कार्ड, उसका जीरोक्स कॉपी। जिन्होंने भी यहाँ पर BPL कार्ड के लिए जो ऑप्शन था उस पर यस किया होगा, उनको यहाँ पर BPL कार्ड का जीरोक्स कॉपी यहाँ पर अटैच करना होगा। ये हो गया आपका पहला सेट। सेकेंड सेट में आपका यहाँ पर जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, उनको यहाँ पर आपको एक अलग से सेट बनाना है, ठीक है। यहाँ पर है ड्यूली फिल्ड रजिस्ट्रेशन फॉर्म, डाउनलोड करना है आपको यहाँ पर कॉलेज के वेबसाइट से। कहाँ से करना है वो भी मैं चलिए बता दूंगा, लेकिन यहाँ पर जो है आपको अच्छा से फिल कर लेना है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, और जो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है इसको अच्छा से फिल करना है, क्योंकि यही एग्ज़ाम के लिए जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा उस पर यहाँ पर अप्लाई होगा। यहाँ पर है एडमिट कार्ड जीरोक्स कॉपी, मार्कशीट है जीरोक्स कॉपी, माइग्रेशन सर्टिफिकेट है ओरिजिनल, फिर है पासपोर्ट साइज फोटो, आपको यहाँ 3 कॉपी यहाँ पर लेते जाना है, फिर है यहाँ फी रिसिप्ट 2 कॉपी, ठीक है। जो यहाँ पर कहा जा रहा है इसका अलग सेट बनाना है, और जो यहाँ पर कहा गया है, ठीक है, इसका अलग सेट बनाना है। दोनों सेट को आपको अलग अलग करके, मतलब साथ में ले करके जाना है वहाँ पर। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ कहा गया है, स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग ऑल द ओरिजिनल सर्टिफिकेट। यहाँ प्रूफ के लिए मांगा जा सकता है कि आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट क्या है इसका, ठीक है। तो आपको उसके जो यहाँ पर सेट होगा, उसके अलावा यहाँ पर जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स होंगे, ठीक है, उनको भी साथ में लेकर के जाना है। ये सभी चीज़ें जो है आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है यहाँ पर डाउनलोड क्लास 11th रजिस्ट्रेशन फॉर्म, बोथ गर्ल्स एंड बॉयज सेक्शन। यहाँ से आपको जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो डाउनलोड कर लेना है। जैसा कि डॉक्यूमेंट्स, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स था, उसमें यहाँ पर मेंशन किया गया था कि जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसको अच्छा से फिल किया हुआ रहना चाहिए। तो आपको यहाँ से जो है डाउनलोड कर लेना है क्लिक करके, और इसको जो है आपको प्रिंट आउट करा लेना है कलरफुल। और उसके बाद है यहाँ पर आपको जो भी डिटेल्स मांगे गए हैं, यहाँ पर कहा गया है, वो आपको अच्छी तरह से भर लेना है। और यहाँ पर ध्यान रखिए, किसी प्रकार का गलती नहीं होना चाहिए। गलती हो तो आप फिर दोबारा जो है नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको अगर गलती हो जाता है आपका, तो आप दूसरा जो है PDF प्रिंट आउट करा लीजिए, और उसको अच्छा से फिलअप करके जो है आप सबमिट कीजिएगा। किसी प्रकार का यहाँ पर ओवर राइटिंग या फिर किसी प्रकार का मिस्टेक नहीं होना चाहिए। और ये जो है इसके लिए कैसे भरना है, इसके लिए वीडियो मेरे चैनल पे पहले से ही अवेलेबल है। तो आप जा करके सर्च कर लीजिएगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप, और उस पर जा करके आप देख लीजिएगा, अच्छा से समझ लीजिएगा कि कैसे भरना है। अगर आप भर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो उसके बाद है यहाँ पर सीरियल नंबर के लिए जो है अलग अलग सेक्शन का, बॉयज सेक्शन IA का अलग यहाँ पर लिस्ट दिया गया है सीरियल नंबर के लिए। ISC बॉयज सेक्शन का अलग है, ICOM बॉयज सेक्शन का अलग है, यहाँ पर गर्ल्स के लिए अलग है, इसी तरह से, ठीक है। तो आप यहाँ पर जिस भी सेक्शन से हैं, जिस भी डिपार्टमेंट से हैं, आप अपना अपना जो है डाउनलोड कर लीजिएगा और देख लीजिएगा, ठीक है, सीरियल नंबर किस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं एक लिस्ट, और यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से आपको देखना है। तो PDF डाउनलोड करने के बाद इस तरह से जो है ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सीरियल नंबर देखने को मिलेंगे, यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर है, स्टूडेंट नेम है, फादर्स नेम है, कास्ट, और यहाँ पर वेरिफिकेशन डेट और टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो भी है अल्फाबेटिकली है, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट में 2 ऐसे नाम है जो कि S से यहाँ पर स्टार्टिंग हो रहे हैं। उसके बाद है आप यहाँ पर देख सकते हैं A से है, फिर है यहाँ पर आपको नीचे में B से देखने को मिलेगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख लीजिएगा, और उसके बाद यहाँ पर सीरियल नंबर देखिएगा, आपका नाम से जस्ट पहले जो होगा सीरियल नंबर होगा, और सीरियल नंबर वहाँ पर आप देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा कि क्या डेट और टाइम रहेगा। यहाँ पर भी दिया गया है डेट और टाइम, जैसे कि यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर अंकित बैठा है, ठीक है, ये जो इनका है 70 सीरियल नंबर है। उसके बाद जो है यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए डेट और टाइम, तो यहाँ पर 28 अगस्त 2023 है, और टाइमिंग जो है 8 बजे से 9:30 बजे तक सुबह है, ठीक है। तो यहाँ पर इसी तरह से आप जो है मिला लीजिएगा अपना से अच्छा से, ठीक है। तो फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो कुछ भी यहाँ पर था मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, सभी चीज़ें बता दिया है एक्सप्लेन करके। अगर किसी भी प्रकार से आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, या फिर टेलीग्राम है, ग्रुप है, वहाँ पर जा करके पूछ लीजिएगा, लेकिन गलती मत कीजिएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।